से केक। मैंने दो हिटरन बिस्किट लिया है, वो 5 रुपये वाला पैकेट, और एक ओरियो। बिस्किट को हम मिक्सर में डाल रहे हैं, मिक्सर जार में। तोड़ के बिस्किट को मिक्सर जार में डाल रहे हैं। अब इसको ग्राइंड कर लें मिक्सर में। अब मेरा बिस्किट ग्राइंड हो चुका है। अब इसको हम इस बाउल में डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध मिलाते जाएं, और एक ही बार में सारा दूध नहीं मिलाए, नहीं तो फिर हो सकता है कि पतला हो जाए। इसका आप ठीक सा हम एक बैटर बना लेंगे। अब मेरा केक का बैटर हो गया है तैयार। अब मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ इनो। मैंने इसमें ये इनो का पूरा पैकेट डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा दूध देके, देखिए अब इसमें बबल आने स्टार्ट हो गए हैं। इसको जल्दी से मिला लीजिए। अब इसको मैं केक टिन में डालूंगी। केक टिन में मैंने पहले से ही बटर पेपर लगा के रखा हुआ है। इसको थोड़ा टैप कर लें तो जो ये बबल है वो खत्म हो जाएगा। मैंने कुकर में पहले से ही बालू गरम करने के लिए रख दिया था। अगर आपके पास बालू नहीं है तो आप नमक भी दे सकते हैं बालू के बजाय। अब मैं इसको धीरे से कुकर में डालूंगी, पकने दूंगी इसे 40 मिनट तक। 40 मिनट बाद फिर चेक करेंगे इसे। 40 मिनट हो गया है, मेरा केक हो गया है तैयार। अब मेरा केक बनके हो गया है तैयार। अब मैं इसमें डाल के आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए बटर पेपर को इस तरह से निकाल लें। देखिए मेरा केक कितना अच्छा बना है, चारों तरफ से दिखा रहे हैं आपको। देखिए देखिए कितना सॉफ्ट फ्लफी केक बना है। अब इसको मैं आप लोगों को काट के भी दिखाऊंगी। केक को डेकोरेट करने के लिए ये डेरी मिल्क चॉकलेट 10 रुपये वाला दो डाल रही हूँ इसमें कटोरी में। इसमें मैंने दो डेयरी मिल्क चॉकलेट डाल दिया है। अब इसको गर्म पानी में ये कटोरी धीरे धीरे ये पिघलते जाएगा।
देखिए अब मेरा चॉकलेट सॉफ्ट हो रहा है। अब इसमें मैं थोड़ा दूध मिलाती हूँ, थोड़ा दूध मिला दिया इसमें। अब ये चॉकलेट का केक में डाल रही हूँ। देखिए अब ये मेरा केक बन के हो गया है तैयार। अब मैं इसे आपको काट के भी दिखा रही हूँ। देखिए केक मेरा एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बना है। देखिए देखिए कितना जालीदार केक बना है।